तो चलो प्यार बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखो कि इसमें क्या कहा जा रहा है कि इसमें एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, एल फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे, और ये इंक्लाइन प्लेन स्मूथ है, उसके एक ब्लॉक है, यहाँ से रेस्ट से ब्लॉक चलता है यू इज इक्वल टू जीरो से, और ये जो पूरी की पूरी लेंथ है इंक्लिनेशन की, ये एल दी हुई है, दिस इज द लेंथ एल, ये पूरा लेंथ एल दिया हुआ है। तो ब्लॉक जब यहाँ से चलेगा पॉइंट ए से, तो ग्राउंड पे भी कभी आएगा, यहाँ भी आएगा यार, यहाँ जस्ट बॉटम पे बी पॉइंट पे, तो ए से बी तक आने में टाइम कितना लगेगा, और ये पूरा सिस्टम, ये इंक्लिनेशन थीटा है, पूरा सिस्टम लिफ्ट के अंदर है, और लिफ्ट का क्या हाल है, लिफ्ट जो है मूविंग डाउनवर्ड, नीचे तो जा रही है लेकिन रुकने वाली है, ध्यान देना, रिटार्ड हो रही है, नीचे जा रही है, एक्सलरेट होती तो एक्सलेशन नीचे होता, लेकिन नीचे जा रही है तो वेलोसिटी तो नीचे है लेकिन रिटार्ड है, रिटार्ड है तो एक्सलेशन ऊपर लगेगा, रुकने वाली है नीचे जाके, और अगर नीचे जाती एक्सलेट होती तो यही एक्सलेशन नीचे लगाता, मैं बात आ गई समझ में, तो इसमें बच्चे गलती करते हैं। तो अब हमें निकालना है ब्लॉक को कितना टाइम लगेगा यहाँ ए से बी तक आने में, एल लेंथ कवर करने में। देखो, सिंस अगर तुम फोर्स देखोगे तो सबसे पहले फोर्स देखोगे तो इस ब्लॉक पे जो नॉर्मल है वो तो वर्टिकली ऐसे लगेगा, ठीक है ना, और EMG है वो इधर लगेगी, लेकिन अगर मैं सूडो से करता हूँ तो इसी पर एक ऑब्जर्वर बैठा है और ये सब कुछ गेम देख रहा है बैठ के, और वो एक ब्लॉक पे सूडो लगाएगा क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम में है और इसके फ्रेम का एक्सलेशन अपवर्ड है, तो ये सूडो MG के एलोंग ही लगा देगा इस ब्लॉक पे, दैट इज सूडो फोर्स लग जाएगा, दैट इज MA, ठीक है ना। तो एक MA लग जाएगा और एक MG लग जाएगा, दो वर्टिकल में फोर्स आ गए। अब यहाँ से तुम देखोगे तो ब्लॉक पे कुल कित ब्लॉक पे एलॉन्ग द परपेंडिकुलर मोशन हो नहीं रहा है, तो ब्लॉक के प्लेन के एलॉन्ग मोशन हो रहा है, तो सारे फोर्स में इधर दिखा रहा हूँ, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी तो थीटा है, तो MG और MA का कॉम्पोनेंट एक इधर आ जाएगा जो होगा MA प्लस MG और मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा, और इधर जो इसको एक्सलेट कराएगा नीचे जो एक्सलेशन जनरेट करेगा वो हो जाएगा MA प्लस MG और मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा, तो ये सारे फोर्स मैंने लगा दिए, ठीक ना। तो कुल मिला के ब्लॉक पे तीन फोर्स लगेगा, सूडो MG और नॉर्मल, ठीक ना। तो ये वाली चीज़ हमें है। अब देखो, सिंस ब्लॉक परपेंडिकुलर तो मोशन हो नहीं रहा बच्चों, तो नॉर्मल बैलेंस कर लिया होगा किसको, MA प्लस MG यहाँ से, और मल्टीप्लाई कर दूँ यहाँ से कॉस थीटा, तो ये साइन थीटा नहीं होगा, ये होगा कॉस थीटा, MG का एक कंपोनेंट एक कॉस थीटा होगा, सॉरी। तो ये से तो मुझे कोई मतलब नहीं है, ये टाइम में कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन ब्लॉक नीचे आ रहा है तो नीचे आने में ये वाला जो फोर्स है MA प्लस MG साइन थीटा, ये इसको एक्सलेशन दे, तो एक्सलेशन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपान मास, तो फोर्स लग रहा है MA प्लस MG और मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ से साइन थीटा और डिवाइड कर दूं यहाँ एम से, तो MM यहाँ से ख़त्म हो गया, मतलब ए प्लस जी साइन थीटा और मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ से, तो दिस इज द नेट एक्सलेशन ऑफ द ब्लॉक, और वो इंक्लाइंड प्लेन में डाउनवर्ड होगा, और ये एक कॉन्स्टेंट एक्सलेशन है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन जिंदाबाद, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देता हूँ टाइम निकालने के लिए। तो ब्लॉक जब ए से बी तक आएगा तो डिस्टेंस चलेगा ए, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, और हाफ नेट एक्सलेशन ए और टाइम टी का स्क्वायर। तो हम लोग को बच्चों टाइम चाहिए, तो टाइम टी टी नेट जो टाइम टी आएगा वो टाइम टी आ जाएगा, वो आ जाएगा 2L अपन एक्सलेशन नेट डाउनवर्ड जो लग रहा है इंक्लाइन प्लेन के, वो तो 2L, और यहाँ एक्सलेशन पहले ही निकाल चुके हैं ए प्लस जी साइन थीटा। देखो, अगर सूडो फोर्स नहीं था तो एक्सलेशन जी साइन थीटा था, तो ब्लॉक जी साइन थीटा से नीचे आता, अभी ए प्लस जी साइन थीटा से नीचे आएगा, तो इस हिसाब से तुम देखोगे तो ब्लॉक को नीचे आने में एल लेंथ कवर करने में कितना टाइम लग गया होगा। डी ऑप्शन सही है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।